हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपसे एक हेयर ऑयल शेयर करने जा रही हूँ। ये ऐसा हेयर ऑयल है जिससे आपके बाल पहले ही बार में यूज़ करने पे 90% तक गिरने रुक जाएंगे। ये मेरा अपने ऊपर अपनाया हुआ तेल है। ये मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और मैंने बहुत सारे शैम्पू, तेल और मेडिसिन यूज़ करी, लेकिन बालों का गिरना नहीं रुका। और फिर मैंने ये तेल ट्राई किया तो इससे पहले ही बार के यूज़ में मेरे 90% तक बाल गिरने रुक गए। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये तेल बनाना। इसके लिए मैंने ये आंवला लिए हैं चार, और चारों आंवलों को कद्दूकस कर लिया है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कद्दूकस के बजाय आंवले को कट भी कर सकते हो। और देखिए, ये मैंने एलोवेरा की चार स्टिक ली हैं। इससे क्या होता है, बाल एकदम मुलायम हो जाते हैं, हमें कोई कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है और इतने अच्छे और सिल्की हो जाते हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि मेरे बाल पहले कैसे थे और तेल यूज़ करने के बाद कैसे हो गए हैं। और आंवला तो आपको पता ही है, आंवले से बाल काले होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं। आंवला के कितने गुण हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। और देखिए, हम एलोवेरा के इस तरह से जेल निकाल लेंगे जैसे मैं निकाल रही हूँ। चाकू की सहायता से साइड से कट करके और चम्मच की सहायता से हम जेल को निकाल लेंगे। सारी स्टिक का हम जेल निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ये तेल ट्राई करिएगा, आपको रिज़ल्ट अमेजिंग मिलेगा। आप एक बार अगर ये तेल ट्राई कर लेंगे ना तो आप दोबारा से कोई और तेल यूज़ ही नहीं करेंगे, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतना अच्छा तेल बनता है ये। मैं सेकंड टाइम ये तेल बना रही हूँ तो सोचा मैंने कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। देखिए, मैंने सारा जेल इकट्ठा कर लिया है एक कटोरी में और आंवला भी कद्दूकस कर लिया है। और मैंने थोड़े मेथी दाना लिए हैं। मेथी दाने से बाल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इससे भी बाल एकदम शाइनिंग वाले और चमकदार हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और थोड़ा कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता मेरे पास थोड़ा कम था, अगर आपको ज़्यादा अवेलेबल हो तो आप ज़्यादा कड़ी पत्ता यूज़ कर सकते हो, उससे भी बाल बहुत अच्छे और मजबूत हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने लिए हैं ये नीम के पत्ते। नीम के पत्ते से क्या होगा, सिर में खुजली अगर होती है ज़्यादा, या फिर किसी तरह की फंगस हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें आराम मिलता है। देखिए, इतना इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल है ये, आप एक बार प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आप भी बहुत सारे मेडिसिन या शैम्पू कर करके परेशान हो गए हैं तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, इस तरह से हम तेल, मैंने सरसों का तेल यूज़ करा है, सरसों के तेल में ही हम इसको तेल को बनाएंगे। मैंने 1/2 लीटर ऑयल लिया है सरसों का और उसमें मैंने डाला है सारा सामान। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। कितनी देर पकाना है, 1/2 घंटे तक हमें इसको पकाना है, और वो भी बिल्कुल सिम गैस पे। सिम गैस करके हम इसे पकाते रहेंगे और हम अपना और काम भी कर सकते हैं साथ ही साथ। देखिए, बिल्कुल सिम गैस करनी है हमें, 1/2 घंटे तक इसको पकाना है, बीच बीच में इसको चलाते रहना। और देखिए, जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए मेथी दाने का और आंवले का, तो उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए, गैस बंद करके जब मैंने रख दी थी और तेल बिल्कुल इस टाइम ठंडा हो चुका है। तेल ठंडा होने के बाद देखिए, इस तरह से आंवले का कलर देखिए ऐसा हो जाना चाहिए। आंवला हमें इतना ज़्यादा तेल नहीं पकाना है कि हमारा ये जो सामान डला हुआ है ये जल जाए, सिर्फ हमें इस स्टेज तक ही पकाना है। अगर आप चाहें तो आप इसको सारी रात रख सकते हो, और सारी रात रखने के बाद काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद हम छन्नी की सहायता से इस तेल को छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये तेल अच्छा लगे, आप एक बार ट्राई करिएगा। और आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका तेल कैसा बना है, क्या आपने ट्राई किया है। देखिए, सारा तेल मैंने छान लिया है, और तेल छानने के बाद अब मैं इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल मिला रही हूँ। विटामिन ई से भी हमारे बाल काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल बनके एकदम तैयार हो गया है। आप इस तेल को साफ़ सुथरे सूखे जार में भर के रख दीजिए। ये तेल 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे प्लास्टिक के कांच की बोतल में भर के रखें, आप इसे किसी भी प्लास्टिक के जार में रख सकते हो या बोतल में, और ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
बताइएगा मुझे कि आपने इस तेल को यूज़ किया है तो आपको कैसे रिज़ल्ट मिले हैं। थैंक यू।